हेमंत कैमरा ऑन कीजिए। हेमंत हेमंत कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, हेमंत गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। नव्या कैमरा ऑन कीजिए। नव्या कैमरा ऑन कीजिए। बेटा कैमरा ऑन कीजिए। नव्या हेमंत आप भी कैमरा ऑन कीजिए। नव्या ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कल तीन वर्ण वाले शब्द बताए थे। कल मैंने आपको बिना मात्रा के तीन वर्ण वाले शब्द बताए थे। आज हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर शब्द पूरा करो। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर्स बना के दिए, चित्र बना के दिए, उनको देखकर आपको क्या करना है, इन्हें पूरा करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट पिक्चर आप आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए किस चीज की है, किस चीज की है फर्स्ट पिक्चर। हेमंत आप बताइए। हेमंत आप बताइए फर्स्ट पिक्चर कौन सी, किस चीज की है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट पिक्चर है मटर। मैंने यहाँ मटर की पिक्चर ड्रॉ की है, तो आपकी फर्स्ट पिक्चर है कौन सी है, मटर। तो मैं लिखा हुआ है, डैश है और र है। ठीक है, तो आपको क्या राइट करना है, ट। क्या राइट करेंगे, ट। अब देखिए आप पढ़िए से, मटर, क्या बना, मटर, मटर। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर है, नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है, नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है। देखिए नेक्स्ट पिक्चर है कलश। राइट है, डैश है और फिर है श। आपको क्या राइट करना है, ल। देखिए ल आपने राइट कर दिया, कौन सा वर्ड बना, कलश। ओके, कलश। नेक्स्ट पिक्चर है, नेक्स्ट पिक्चर की कौन सी है, किस चीज की है, बतख, बतख। ठीक है, तो देखिए ब राइट है, आपको क्या राइट करना है, त। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर है कौन सी है, बटन, बटन, बटन। तो ब आपको क्या राइट करना है, ट।
फिर है न, क्या बना? बटन है। नेक्स्ट पिक्चर किस चीज की है? कमल। कमल है। कौन सी है? कमल। कमल है। तो कह रहे थे आप राइट करेंगे मैं ले कमल है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है? नेक्स्ट पिक्चर है कलम है। क ल, आपको राइट करना है ल म, कलम है। ओके, देखिए फर्स्ट पिक्चर किसकी है? मटर। सेकंड पिक्चर है कलश। थर्ड पिक्चर है बतख। फोर्थ पिक्चर है बटन। नेक्स्ट है कमल। नेक्स्ट कलम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों को पूरा कीजिए। अभी तो आपने क्या किया था? पिक्चर्स की हेल्प से आपने शब्दों को पूरा किया था, ओके। और अब आपके पास में पिक्चर नहीं है, तो आपको बिना पिक्चर के ही इन शब्दों को कंप्लीट करना है, यानी पूरा करना है, ओके। तो देखिए फर्स्ट डैश है ले। तो स्टूडेंट अब आप इसमें कौन सा वर्ड लगाएंगे? देखो मैंने आपकी हेल्प के लिए बॉक्स में कुछ वर्ड भी दिए हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से आपको इनको कंप्लीट करना है। तो देखिए ले लगाएंगे, ले है ले, नहीं बनता है। नेक्स्ट देखेंगे मैं, क्या मैं। अब देखिए आप मैं कीजिए, क्या बना आपका शब्द? मैं है ले, महल। क्या बना? महल। नेक्स्ट वर्ड है क मैं। तो देखिए अब आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ड कमंड हो जाएगा नो चमक कम है, कम है, नहीं बनेगा। तो आप क्या यूज करेंगे? ले यूज करेंगे। ले। तो क्या बनेगा? कम ले। कमल। 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 कम ले। क्या बना? कमल। कमल। नेक्स्ट देखिए स डैश क, क्या राइट करेंगे आप इसमें? ले। नो स्टूडेंट, क्या राइट करेंगे आप? ड। अब आप इसे पढ़ेंगे तो आपका एक वर्ड बन, शब्द बन जाएगा। देखिए स ड क, क्या बना? सड़क। सड़क। नेक्स्ट है स डैश ल, क्या राइट करेंगे आप इसमें? क। देखिए हम इसमें राइट करेंगे स र, क्या राइट करेंगे? र। क्या बना? सरल। सरल। ओके, नेक्स्ट देखिए म क, क्या राइट करेंगे आप? ल। लमक। हम या नमक? न। वेरी गुड, क्या बना? नमक, ठीक है। अब देख देख नेक्स्ट देखिए डैश ल म, क्या राइट करेंगे? ल। नो स्टूडेंट, क्या राइट करेंगे आप? क। क्या बनेगा? कमल। मैं। क्या बना? क
कलम ओके नेक्स्ट देखेंगे डैश ने क्या राइट करेंगे आप ले या है क्या राइट करेंगे देखिए पे है हम राइट करेंगे तो क्या बनेगा बहन आप जो जो वर्ड यहाँ लिखे जाते हैं देखिए आप जो भी वर्ड यहाँ लिखेंगे आपको उनको अंडरलाइन कर लेना है ताकि आपको मालूम हो कि ये वर्ड हमारे यूज हो चुके हैं तो हम इन्हें दोबारा नहीं करें नेक्स्ट देखिए फ स अब हमारे पास में क्या बचा है लास्ट में ल तो आप क्या लगाएंगे ल क्या बनेगा फसल क्या बनाए स्टूडेंट फसल नेक्स्ट देखिए गोले में दिया अक्षर जोड़कर नया शब्द बनाओ तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे गोले में एक अक्षर दे रखा है ठीक है अक्षर दे रखा है उसको जोड़कर आपको क्या करने शब्द बनाने अब देखिए पहले हम पढ़ेंगे लास्ट वाले दो शब्द हर देखिए क्या है हर 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 में हम ल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अब आप इसे पढ़ें देखिए ल है र क्या बना लहर क्या बनेगा क्या बनेगा लहर ओके तो आप यहाँ राइट करेंगे ल है र लहर ओके ओके हेमंत कैमरा ऑन कीजिए नेक्स्ट देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमें पीछे के पहले दो वर्ड पढ़ने हैं तो देखिए कौन से हैं हर कौन से हैं हर अब हम इसमें न को जोड़ेंगे न को हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा न है र क्या बना नहर थर्ड है श अब देखिए हम हर में श को जोड़ेंगे क्या बनेगा शहर शहर ओके नेक्स्ट देखिए वही है अभी हमने हर जोड़कर नए शब्द बनाए अब हम दन जोड़कर नए शब्द बनाएंगे ओके तो देखिए गोले में कौन सा शब्द है हमारा दन कौन सा है दन अब देखिए दन में हम मैं जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मैं द न क्या बना मतन मदन मैं द न मदन ओके फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड हम जब इसमें जोड़ेंगे दन में हम जब नेक्स्ट वर्ड जोड़ेंगे तो क्या बनेगा से से को हमको दन में जोड़ना है क्या बनेगा सहन सदन कोई क्या बनेगा सदन सदन ओके
नेक्स्ट देखिए, यस मैम, देन में हम कौन सा शब्द जोड़ेंगे? ब, क्या जोड़ेंगे? ब, ब, अब कौन सा शब्द बनेगा हमारा? बदन, बदन, वेरी गुड, ब, द, न, बदन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, फोर नंबर का क्वेश्चन है, अलग शब्द पर गोला बनाइए। जो अलग शब्द है, क्या है? अलग है, उस पे आप क्या करेंगे? सर्कल बनाएंगे, यानी गोला बनाएंगे। तो देखिए, अलग शब्द पर गोला बनाओ। अब देखिए, पहला हम पढ़ेंगे सहन, पहन, नमक। तो स्टूडेंट, आप देखेंगे कि सहन और पहन दोनों जो शब्द है वो क्या है? मिलते हुए हैं। और नमक क्या है? अलग है ना? Yes, ma'am. नमक अलग है। देखिए, सहन Yes, ma'am. और पहन दोनों क्या है? सेम है। और नमक क्या है? अलग है। तो आप नमक पे क्या करेंगे? अलग है। क्या करेंगे नमक पे? गोला बनाएंगे। गोला बनाएंगे, गोला। ओके, नेक्स्ट देखिए, यस मैम, सड़क, भवन, भवन। पहले हम इन सभी को पढ़ेंगे, ठीक है? एक बार वापस से पढ़ के देखिए, सड़क, भवन, भवन, ओके। तो अब आप देखिए कि सड़क, भवन, भवन। तो देखिए, सड़क अलग है क्या? अलग अलग शब्द कौन सा है इनमें? सड़क, सड़क, क्योंकि हवन सड़क और भवन दोनों क्या है? मिलते हुए शब्द है। क्या है? मिलते हुए शब्द है। और सड़क क्या है? इन सबसे अलग है। तो आप अलग बन के क्या लगाएंगे? गोला लगाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट है कपट, चपट, बदन। पहले आप क्या करेंगे? सभी को एक साथ पढ़ेंगे। तो पहला है कपट, चपट, नेक्स्ट है बदन। तो इन तीनों में से अलग वर्ण कौन सा है? बदन, बदन, ठीक है। क्योंकि कपट और चपट दोनों क्या है? मिलते जुलते वर्ण है। क्या है? मिलते जुलते हैं। और बदन क्या है? इनसे अलग है। तो आप किस पे गोला लगाएंगे? बदन, बदन। नेक्स्ट देखिए, मटर, चटर, सॉरी, ठीक है। फर्स्ट देखिए, मटर, महल, चटक। मटर, महल, चटर। तो इनमें से अलग वर्ण कौन सा है? अलग वर्ण कौन सा इनमें से? देखिए, मटर, चटन और चटर दोनों क्या है? मिलते जुलते वर्ण है ना। और इसमें क्या है? महल अलग वर्ण है। क्या है?
अलग वर्ण है, तो आप इस पे क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। नेक्स्ट है चित्र देखकर सही शब्द पर गोला बनाओ। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके यहाँ पिक्चर्स ड्रॉ किए यानी चित्र बनाए हैं और यहाँ मैंने आपके शब्द राइट किए हैं, तो आपको सही शब्द पर क्या करना है, गोला बनाना है। तो देखिए आप पहले पिक्चर को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी फर्स्ट पिक्चर कौन सी है, किस चीज की हमारी फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर कौन सी है, नमक। देखिए अब मैं आपको फर्स्ट पिक्चर बता रही हूँ, फर्स्ट पिक्चर है हमारी नयन। ठीक है, क्या है, नयन। नयन तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है नयन नमक, तो सही कौन सा है इन दोनों में से, सही कौन सा है, नयन। और मैंने आपको यही बताया कि सही शब्द पर ही आपको गोला बनाना है, तो सही शब्द कौन सा है हमारा, नयन, नयन। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर है बटन, किसकी है, बटन की है। ठीक है, अब आप इधर पढ़ेंगे कि ये बटन कहाँ लिखा हुआ है, आपको उसी पे सर्कल बनाना है, गोला बनाना है। तो फर्स्ट जो शब्द है हमारा बदन, क्या ये बदन की पिक्चर है, नो स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है बटन, तो ये बटन की पिक्चर है क्योंकि हमने पिक्चर्स को पहले आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है, तो ये बटन की पिक्चर है। ठीक है, तो आप किस पे गोला लगाएंगे, बटन पे, बटन पे। नेक्स्ट पिक्चर आप देखेंगे किस चीज की है, कमल। अब देखिए मैंने लाइट किया है कलश कलम, कलश कलम, तो सही कौन सी है, सही शब्द हमारा कौन सा है, कलम, कमल, कमल, कमल। आप किस पे राइट करेंगे, कमल पे। नेक्स्ट कमल है, आप पहले पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, पिक्चर किस चीज की है, शानू आप बताइए किस चीज की पिक्चर ड्रॉ की है, कलर, देखिए नेक्स्ट पिक्चर है कलश। ठीक है, अब आपके पास में दो शब्द है यहाँ पे, दोनों में से जो सही शब्द है उस पर आप क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। तो देखिए सही शब्द कौन सा है, कलम, तो स्टूडेंट्स ये कलम की पिक्चर नहीं है। नेक्स्ट है कलश, किसकी पिक्चर है ये, कलश की है, कलश, किस पे गोला लगाएंगे, कलश पे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, देखिए मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवाती हूँ। चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पिक्चर ड्रॉ की है और यहाँ शब्द भी लिखे हैं और आपको इसको क्या करना है, पूरे करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट पिक्चर है मटर की, तो आप मैं राइट है, र राइट है, आपको क्या राइट करना है, ट, क्या हो जाएगा, मटर। ठीक है, इसी तरीके से आप ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है शब्दों को पूरा कीजिए, मैंने देखिए यहाँ पे बॉक्स में आपको कुछ हेल्प वर्ड दिए हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से आपको क्या करना है, इन शब्दों को कंप्लीट करना है। ओके,
नेक्स्ट देखिए, गोले में दिया अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ। गोले में जो मैंने आपको शब्द दे रखा है हर, ये जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है। ल में आप हर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लहर। न में हर जोड़ेंगे तो नहर। श में हर जोड़ेंगे तो शहर। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से म में आप दन जोड़ेंगे मदन, स में दन जोड़ेंगे सदन, ब में दन जोड़ेंगे तो बदन। ओके, नेक्स्ट देखिए, अलग शब्द पर गोला बनाओ। तो स्टूडेंट्स, आपके जो शब्द अलग होगा उस पे आपको क्या बनाना है, गोला बनाना है। ओके, तो देखिए, जैसे कि सहन और पहन क्या है, सेम है, और नमक क्या है, इन दोनों शब्दों से अलग है। तो आप किस पे गोला बनाएंगे, नमक पे। ओके, फिर है नेक्स्ट, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला बनाओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पिक्चर्स ड्रो किए, यस मैम, यहाँ शब्द मैंने राइट किए हैं, तो आप पिक्चर्स को देखे शब्द को पढ़कर सही शब्द पर क्या बनाएंगे, गोला बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है आपको? नो मैम। ओके, नहीं मैम।